right, I'ma do you right. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरे हर नए वीडियो की अपडेट पा सकें और ये बिल्कुल भी फ्री है। Hi guys, welcome to my channel और this is me Khushi। Wedding season आ चुकी है और सभी चाहते हैं एकदम गोरा दिखना और एकदम beautiful skin का दिखना, तो इसके लिए ये video आपके काम की हो सकती है, तो please इसको end तक ज़रूर देखना। तो चलिए बात करते हैं क्रीम की। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ Memopi-HC क्रीम के ऊपर। ये क्रीम जो है आपको बहुत ही ज़्यादा फेयर बना देगी, मतलब एकदम ग्लो ला देगी आपके चेहरे पे। आपके चेहरे पे अगर पिगमेंटेशन है, चाहे कितने भी साल पुरानी हो या किसी भी तरह की हो, फ्रिकल्स हैं, दाग धब्बे हैं, मेलास्मा की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उन सभी को ये दूर कर देगी। साथ ही साथ अगर आपको एक्ने और पिम्पल प्रॉब्लम है तो भी वो रिमूव करेगी, और सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन में ये अपना रिजल्ट दिखा देगी। लेकिन आपको इसको यूज़ करने का एकदम सही तरीका पता होना चाहिए, जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये एक केमिकल क्रीम है और इसके जितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं ना, उतने ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी इसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस तक या मेरे सब्सक्राइबर तक मैं सारी अच्छी और सही जानकारी दूँ। तो इसके अगर रेट की मैं बात करूँ तो वो 15 ग्राम्स का क्रीम मुझे मिला है 148 रुपीज़ का, और ये आपको बहुत इजीली कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। इसके अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ तो इसमें मिलाया गया है हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, मोमेटासोन, फ्यूरिड। तो सभी को पता है हाइड्रोक्विनोन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है हमारी स्किन के लिए, लेकिन इसका एक सही तरीका है लगाने का। अगर कुछ टाइम के लिए आप लगा लो तो इसका इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोक्विनोन जो है वो हमारी स्किन के अंदर से मेलानिन का फॉर्मेशन रोक देता है। मेलानिन जो है वो हमारी स्किन को ब्राउन बनाने में और डार्क बनाने में हेल्प करता है, तो वो उसी फॉर्मेशन को रोक देता है। तो ऑब्वियसली हमारी स्किन जो है वो वाइट दिखना स्टार्ट हो जाएगी और स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेटिनोइन जो है वो हमारी स्किन के ऊपर से एक्ने और पिंपल को रिमूव करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी बना देता है। और मोमेटासोन फ्यूरिड जो है वो इन दोनों जो केमिकल हैं उन दोनों के रिएक्शन हमको फील होने नहीं देता, क्योंकि ये दोनों केमिकल बहुत हार्ड हैं, लेकिन हमको फील ही नहीं होने देगा ट्रेटिनोइन कि हम कोई चीज़ हार्ड अप्लाई कर रहे हैं अपने चेहरे पर। तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े दिनों तक महसूस ही नहीं होंगे। लेकिन ये ठंडियों के सीज़न है, विंटर सीज़न है, तो इस समय आप थोड़ी बहुत केमिकल क्रीम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एकदम सही तरीके के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। अगर आप सही तरीके से नहीं यूज़ करोगे तो आपको ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होंगे, फिर आप मुझे ब्लेम मत करना कि आपने बताया इसीलिए हमने यूज़ करी है। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आता है, और गोल्डन कलर का ट्यूब है, साथ ही साथ इसका कार्डबोर्ड भी गोल्डन कलर का है। इस पर भी अच्छे से दिया हुआ है, बाकी किसी क्रीम में नहीं लिखा, बट इस पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि अप्लाई इन नाइट ओनली। और ये जो क्रीम है उसकी स्मेल थोड़ी सी केमिकल वाली आती है। इसको यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपको इसे सिर्फ और सिर्फ रात में अप्लाई करना है। अपना चेहरा अच्छे से वॉश कर लीजिए रात में, इसको एकदम पतला सा लेयर लगाइए, ज़्यादा मोटा मोटा लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना ही रिजल्ट देगी जितना आप पतला लेयर लगाओगे। और इसको 3 महीने से ज़्यादा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना बस। जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करो तो सन में बिल्कुल भी मत जाना, और अगर जाना पड़ता है तो अप्लाई सनस्क्रीन या तो फिर आप अपना फेस कवर कर लीजिए, क्योंकि सन में जाने से ये जो क्रीम है इसका फटाक से साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि ये आपके सन एक्सपोजर में अगर आपकी स्किन आएगी तो आपके जो स्किन पील हुई है वो रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो रेडनेस ब्लैकनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप जितने नॉर्मल कलर के थे उससे ज़्यादा डार्क हो सकते हो। तो इसीलिए प्लीज़ सन में मत जाना, हो सकता है आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन भी फील हो। और
इसके अलावा आपको या तो बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाए, तो प्लीज़ इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करना और बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना। आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आप लगाओगे तो कोई इश्यू नहीं होगा। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया, और पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड में मैंने अपनी फेसबुक और इंस्टा की आईडी दे रखी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और इस क्रीम के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।